ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਂਭਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਫੌਜਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਜਥਾ ਅੱਜ ਨਾਲੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੋਂ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਗਈ ਉਹਦੇ ਸਿੰਘ ਗਏ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਦੋ ਬੱਸਾਂ ਗਈਆਂ ਇੱਥੋਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਾਲ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਢਾਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਦੇ ਥਾਣੇ ਜਾਂ ਚੌਂਕੀ 'ਚ ਖੜਨਾ ਪਿਆ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰੋ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਕੇ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਉਦੋਂ ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਲੜਾਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਬਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹਾਂ ਠੀਕ ਸੀ ਉਹ ਇਹੀ ਜਿਹਾ ਥਾਂ ਤੇ ਅਮਰ ਸੰਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰ ਸੰਚਾਰ ਹੋਣਗੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਅਮਰ ਛਕਾਉਣੇ ਆ ਤੇ पर जिथे कि गुरु साहब जी का प्रकाश नाल जाना वह चीज़ा कुछ ना कुछ उथे जो कोई ऐसी घटना होती कौम का सारी का सिर झुकता हो जाता अमृतपाल सिंह नूं काफले लेके उस तरीके इतने होना चाहिए अपने सिंह कहे भी इतने भाई जी माजी तुसीं अजे नाल इहनूं घेरिया इत्थे ही रहो ज्यादा लोड़ तो इतने नहीं वो तो एड्डा वड्डा कोई इशू नहीं सी एड्डी वड्डी कोई गल नहीं सी हैगी ज्यादा तो इतने की लोड़ सी अपन है ना ये मोर्चे नूं तकड़ा करन दी लोड़ सी खालिस्तान है आप जरूरी तो नहीं भी पंजाब दे विच इन्ना कि चाहिए अपना खेत्र का दुनिया का असि कोई निखा जा राज नहीं एक कोई टुकड़ा पंजाब की धरती का नहीं लैना जी विश्व के राजे हाँ विश्व का राज लैना हिंदू राष्ट्र की गल कर रहे हैं होर बख बख गल कर रहे हैं उन्होंने कोई राज नहीं किया उन्होंने राज कर पता नहीं खालसा ने तो राज किया गा पंजाब और हिंद की जंग होंगी होंगी सी पंजाब और हिंदुस्तान हिंदुस्तान वखरा सीगा जिहड़ा देश से भारत देश हिंदुस्तान ते और पंजाब वखरा सीगा इत्थों खालसा फौज चलती है निशान नगारे घोड़सवार पालकी साहब महाराज की होंगी है नाल असी हजूर साहब नू जाने और खालसे का उसे एक राज ही आ कोई सानू टोल नहीं कोई टैक्स नहीं कोई होर नहीं कुछ जिथे जाने समझ सरकार करके लगता भी खालसा आया खालसा कोई ये नहीं है भी छोटे जे आप खालिस्तान सीमित रह के सत श्री अकाल जी स्वागत है फैक्ट न्यूज़ से तमाम दर्शकों का मैं थोड़े नाल मनप्रीत गिल अमृतपाल जिथे भी जाता है तो बड़ा काफला उस दे नाल जाता तो अमृतपाल ने कहा सी सिंघां नूं भी भाई पहुँचे अज नाले आपां वड्डा इकट्ठ करना थाने दे विच थाणा सिंघां ने पूरी तरह उदों घेर लिया सी अज तक माहौल जिहड़ा पूरा सुरखियां दे विच रहा हर एक चैनल ते ही खबर चलदी सी सो पर कुछ सिंघ हजे भी चंडीगढ़ दे विच ने कौमी इंसाफ मोर्चे दे विच ने उह इत्थे इस करके ने कि उन्हां नूं लग्या भी जे सारे ही अमृतपाल सिंघ दे कहण ते अज नाले चले जाणगे फिर इत्थे मोर्चा कौण सांभूगा पर इत्थों जत्था गिआ जरूर आ तां साडे नाल उह सिंघ बैठे ने जिन्हां ने कौमी इंसाफ मोर्चा चंडीगढ़ दा इस वक्त सांभिया होया इह फौजां साढ़े नाल ने गलबात करांगे कि अज जिहड़ा अजनाले विखे जो कुछ होया उसनों किवें देखते हैं तो कौमी इंसाफ मोर्चा हुण किहड़ियां राहां ते आ सिंघ साहब सारिआं नूं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतह खालसा वाहिगुरू जी की फतेह सिंघ साहब गया जरूर है इत्थों जथा अजनाले अज तां तुसीं इत्थों अज जो कुछ उत्ते वापरिया उस ते कई सवाल खड़े होंदे ने कई लीडर उंगली करदे ने अमृतपाल सिंह ते कहिंदे गुरु महाराज की हजूरी दे विच सब कुछ होया गुरु महाराज की भीड़ लेके गए ने उन्होंने ढाल बनाया गुरु ग्रंथ साहब नूं तुसीं की सोचते हो देखो जी पहली गल तो इत्थों संगत नहीं गई उहदे सिंघ गए आ जिहड़ी उहदी जथेबंदी दे नाल आ दो बसां गईआं इत्थों दूजी गल जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहब नूं ढाल बनाया इह ते बहुत माड़ी गल आ गुरु साहब अगवाई करते मनुखता की साझीवालता की गुरु साहब ने हुक्म दिता भी पांच प्यार तो हुक्म आग्या लैनी है ना उन्होंने अपना डर सता रहा कि मैं पुलिस अरैसट करेगी जो कोई जे वो जो पुलिस कोई उधरों कुछ कर दी आ तो यह वड्डा इशू बनेगा बरगाड़ी वाला इस करके उन्हें गुरु साहब नूं अगे रखे अच्छा सिंह साहब लीडर उंगली करते हैं अकालियों का भी बयान आया ने कांग्रसियों के भी भाजपा के भी वो कहें भी गुरु महाराज ने ढाल बनाया अमृतपाल सिंह कहता असी ढाल नहीं बनाया पूरी मर्यादा चते थोनू की लगता ढाल बनाया हाँ या नहीं मैनू ये दसो ढाल नहीं तो होर की आ अज तक कद इतिहास के दस दो भी गुरु साहब कदे थाने या चौंकी 'च खड़ना पिया हुण पुलिस परचा नहीं दर्ज कर सकती इन्हां ने मुड़ के पता की कहना भी गुरु साहब भी नाल सी गुरु साहब से भी परचा दर्ज करो भी गल की एक माहौल जिहड़ा फिर खराब होवे तू जाना कला जा नाले देखो जिदन इन्होंने बंदा चुकया हो जाके इन्हों की कोई निजी लड़ाई सी कुछ भी ला लो इन हुण कौमी मसले का ना एक रूप दिता जा रहा भी गुरु ग्रंथ साहब की छत्रशाह हेठ अमृत छकाना सी जे करना वो करना है ना तो जिदन इन्होंने बंदा चुकया जाके उदन किसी को पुछया उदन वह कौम का मसला सी लड़ाई तो इन्हों की निजी बना इन्होंने कौम को दी अच्छा अमृतपाल सिंह भी कहते भाई इतने कीर्तन करना है हूँ तो लंगर छको सारे सिंह उन्होंने बेनती की कहें अमृत संचार भी इतने होगा थां ठीक सी उह इहियां थां ते अमृत संचार हो सकदा थाणियां दे विच अमृत संचार होणगे हुण तुहानूं लगदा कि होना चाहीदा
अच्छा मतलब जो हों मतलब हो नहीं सकता ये चीज़ा असं इस पर थोड़ा स्पष्टीकरण चाहवे कि असलियत की असी इसे मंग साफ कर दो सारा कुछ मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए थाने के प्रशासन अपना काम करे को फिर तो मैं कहना भी गुरु घर की लोड़ ही नहीं जो थाने जी अमृत छकाने तो फिर गुरु घर कि वास्ते उन्होंने ताले मार देने आप फिर नंगा दिशा कहदे वास्ते है दसो तुम बिल्कुल बिल्कुल ये गल तो कितने कितने सवाल खड़े होंगे से भी जिस तरीके अमृतपाल ने कहा भी इतने अमृत संचार हो गए भी हूँ अमृत संचार थाने के हो गए सिंह साहब तुम यह जी गलों बारे की सोचते हो वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फतेह जिथे गए गुरु ग्रंथ साहब जी के जो चलो कोई भी उस इंसान ने जी गलती की उन्होंने उन्होंने अपने तौर पर उन्होंने सौदा लाया ठीक है जो किसी वास्ते कोई गलत टिप्पणी करता गा वह होना चाहिए वह करता उन्होंने पर जिथे सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश जाना वो बड़िया गड्डिया बड़िया गल् हो जाएगा कल असी मीडिया तो इतने देखो चलो असी तो इतने इंसाफ मोर्चे के बैठे हाँ सारी फौज असी भी कुछ चैनल के उत्तों ही पता देखा सुनया गा कि पालकी साहब का भी कोई सीसा टुटिया गा कि ऐसा घटनावान जो गुरु साहब जी का प्रकाश जा रहा कोई नसामी घटना चलो पुलिस ने मूहरों नहीं किया इदा का कोई भी चलो ज फौजा तो मान लो संगत तो भय मान लो ज गुरु साहब का सत्कार मान लो कोई इस तरह का उन्होंने नहीं कोई किया मूहरों प्रजोर जोड़ा भी कुछ किया उन्होंने बैरीगेट आपो अपने छड़ के जाई गए है कुछ सिंघा का जोड़ा चढ़त चढ़ाव का कुछ हल्ला भी इस तरह ही संगत का हल्ला वह जो हल्ला नहीं झल्या गया पुलिस तो कि गुरु साहब जी की जो कोई बेअदबी हो जाती उसे सिख कौम का सारी का सिर झुकता वा देखो पहला आप हजे तिकर वो जोड़ा बगराड़ी मोड़ होया कोटकपुरा होया उन्हां चीज़ों तो ही सिख कौम जी उभर के नहीं आ रही बड़े बड़े इस चीज़ों के बेअदबियां हो रही थां थां भाई अमृतपाल सिंह जी बड़े सूझवान ने बड़ी कौम उन्होंने नाल जुड़ के चल रही है उन्होंने काल के उत्ते पूरा पंजाब चल के आया गा उन्होंने एक मॉडल हीरो मनिया जा रहा है इस टाइम के उत्ते बहुत वधिया चलो अमृत संचार कर रहे ने असीं ये नहीं कहते भी माड़ा चलो बहुत वधिया कर रहे ने वो अमृत संचार करा रहे ने नशे छड़ा रहे ने चंगी गल आ गई चंगी सेध देनी चाहिए है चंगी आ पर कई चीज़ा जो इस तरह दियाँ मेरे को आ जा पंथ नूं टारगेट किया जा रहा है निजी लड़ाई होंगी वो निजी लड़ाई के उत्ते लड़ाया जाता गा जां किसे परिवार वाले जां किसे बारे कोई बोलता ठीक है वो चीज़ पर अपनी अणख आबरू खातर बहुत कुछ हुंदा करदे आए और करदे होणगे रहणगे भी जे किसे दे तुहाडे ते जां मेरे ते जां किसे ते भी होवे वो चीज़ करी जाती हैगी पर जिथे कि गुरु साहब जी का प्रकाश नाल जाना वो चीज़ा कुछ ना कुछ उत्थे जे कोई ऐसी घटना होंदी वह कौम का सारी का सिर झुकदा हो जाता उस चीज़ के नाल चलो गुरु साहब जी ने कृपा की इन्हां ते भी हुई गाह वालियां ते भी हुई और सतगुरां ने अपना हाथ दे के सारियां नूं ही सुरक्षित रख्या ते यही महाराज दा जो सीगा फरमान के भी सिखां दे है ना होवो कतर मिलो मेरे भाई दुबधा दूर करो लिबलाई जिथे भाई साहब जी बाद दे विच अजनाले उत्थे गए ने डेरे जे संतां दे उत्थे पहलां भी जाके उन्हां नाल कोई गुरमता ऐसा किया जा सकदा सीगा भी सारे कतर हो के आप जे कोई उहदे वीर की कोई गलती हैगी उन्हों उस तरह पहला जिहड़ा सिख का फर्ज है ना जिस जिन्हें किसी ने गलती की हैगी उन्होंने जे कोई उन्होंने माफ़ी मंगनी चाहिए उन्होंने माफ़ भी किया गा जे चढ़ के आया उन्होंने उस दा सजा भी दिती हैगी ते जो भी होया गा कुछ उहदे विच सिंघ भी फटड़ होए कल दस्या अमृतपाल सिंह ने 20-25 सिंघ फटड़ होए ने चलो हले तो सतगुरां ने कृपा की कोई एड्डी वड्डी कोई कार्रवाई जिहड़ी उत्थे नहीं हुई तो जे हो जाती तो बहुत मंदभागा होना सीगा इह ते इस चीज़ के नाल सरकारां तां इह चीज़ भाल दियां गईया क्योंकि सिख नूं एक टारगेट किया जे छोटी जी भी गल उह वड्डी वधा के दसी जाती आ भी उह ऐ हो गया जी ऐ हो गया सी आ दो चैनल जिहड़े वड्डे चैनल आ गए जिवें अपना आज तक आ होर वगैरह उन्होंने कि उत्थे संत जरनैल सिंह वागा वो अतवादी वगैरह वक्खवादी दस्या गया वो कुछ चीज़ा असी कुछ आप कहा लैने गे कुछ क्योंकि छोटी जी साड़ी गलती हुंदी है वो पूरी सिख कौम नूं भाई आपको कुटना पैंदा और जिथे कि साडा अज असी निजी निक्किया निक्किया लड़ाइया वास्ते बड़े बड़े इकट्ठ बड़े बड़े मोर्चे इशू कर रहे हैं अज सानू सारयां नूं इह कौमी इंसाफ मोर्चा जिहड़ा बंदी सिंघां दी रिहाई वास्ते लग्गिया सारयां नूं सानू इहदे वल ध्यान देना चाहिए।
असी वख-वख संगतां नूं अपील करदे हांगे भी जिहड़ा कौमी इंसाफ मोर्चे दे विच भी हीरा घत के आओ जिस तरह तुसी अजनाले नूं जां होर ऐसे मतलब नूं कीते ते इधर नूं भी उस तरह ही भी हीरा घत के आओ। इस बहुत इत्थे जरूरत आ संगतां दी ते आके सहूलियत करना। बिल्कुल बिल्कुल सिंह साहब बिल्कुल बाजी वा थोड़ी गल। कुछ चीज़ां अपने दे विच माड़ियां हुंदियां नहीं, आपां कुछ कर रहे हो जो दें आप कहने अगले मजबूर कर देने कि भाई असं माड़े हैं। कुछ चीज़ा बिल्कुल घटनावें हो जाए सिंह साहब थोड़े ना भी गलबात करनी चाहवागे। बाबा जी तुम की सोचते हो अमृतपाल सिंह ने एक बार कहा भी चलो भाई अजनाले सिंह पहुँच गए थाने काफ़ी कुछ किया तो थोनू नहीं लगता यह मुद्दा उस एफ आई आर रद्द कराने नालों ज़्यादा बड़ा सी? अमृतपाल सिंह काफले लेके उस तरीके इतने आना चाहिए अपने सिंह कहे भी इतने भाई जी मैं अच्छी अजनाले घेरे इतें ही रहो हो जिमें अज उत्थे उन्होंने दबाव बना लिया तो जेकर इतने आने फिर इतने भी वो दबाव बनाने के विच अपनी भूमिका निभा सकते। इस बारे तुसी की सोचते हो बाबा जी? वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आना चाहिए जी जे वो मोर्चा फतेह कर ले तो यह भी मोर्चा फतेह करना चाहिए व्डे पद्धर तो भीरां कत के आना चाहिए इतने भी। बिल्कुल बाबा जी लगता भी मोर्चा ये आता कोई मोर्चा नहीं एफ आई आर हो गया एफ आई आर रद्द कराने पिछे इन्ना ज़्यादा कट करना ज़्यादा लोड़ तो इतने की सी वो तो एड्डा व्डा कोई इशू नहीं है एड्डी वीड्डी कोई गल नहीं है ज़्यादा तो इतने की लड़ सी अपन है ना ये मोर्चे तकड़ा करने की लड़ सी। यानी हूँ तुम की कहना चाहते हो थोड़े हिसाब न भी उत्थे जो कुछ हो गया चलो ठीक है हूँ उत्थे एफ आई आर तुम रद्द करा ली हूँ अमृतपाल चाहिए भी इतने भी उम्मीद काफले लेके आवे व्डे पद्धर से आना चाहिए वीर कत्त के व्डे पद्धर से आना चाहिए। ठीक है बाबा बाबा जी बहुत मेहरबानी। हजे भी सिंह साहब ने साडे नाल थोड़े नाल दो गल्लां होर करनी चाहवां कि सिंह साहब अमृतपाल सिंह जां होर भी कई सिंह खालिस्तान की मांग करते हैं कि सिखां नूं वक्खरा राज होना चाहिए लगता क्योंकि सरकारां तां नहीं चाहुंदियां इहो जिहियां चीज़ां लीडर तो पहले ही नहीं चाहुंदे। तुहानूं लगता है ठाणे घेरन नाल मिल सकदा खालिस्तान? मैनूं इह दस्सो भी खालिस्तान की गल ओह करदा ठीक आ पहलां जिहड़े दो दो बाटे करदे उहनां बारे क्यों नहीं बोलदा? पिंडां च चार चार शमशान घाट आ उहदे बारे उहदी जमान क्यों नहीं टुटदी? ठीक है जी पिंडां च अठ अठ नौ नौ गुरु घर आ जिथे वो दस्तारबंदी हुई रोडे पिंड उत्थे अठारह क बारह गुरु घर अठारह शायद उत्थे एक भी बयान उहदा आया पहला इन्हां नूं तां कट्ठे कर लवे खालिस्तान ते बाद च बना लवे। बिल्कुल बिल्कुल सौ की एक गल सुनाती पहला इहो जिहे मुद्दे बारे बोलना चाहिए जी सिंह साहब। जिहड़ी खालिस्तान की गल आ ना खालस राज आ खालसा जिहड़ा गा वह कला एक छोटा जिहा पंजाब दा जां हरियाणा हिमाचल जां थोड़ा जिहा ये चीज़ का नहीं खालिस्तान बनना असी पूरे भारत विश्व का जिहड़ा भारत का भारत साड़ी एक जिहड़ी आजादी ने 98% सिखां दी आजादी है ये शहीदियां दे के फिर लईतियां जे मन लवो भी साडा एक दिल्ली तिक का खालसा राज बनता खालिस्तान बनता तो धन गुरु गोबिंद सिंह साहब पातशाह का जन्म दिहाड़ा जिहड़ा पटना साहब दे विच होया कि खालसे नूं अज ननकाणा साहब दे असी दर्शन करन तो तरस रहे हाँ दर्शन करन तो तरस रहे हैं कि होर पंजा साहब जिन्ने किन्ने अस्थान ने उधर जिन्हों तो असी खालसा दर्शन करन तो तरस रहा गा जे किसी दे पहली गल तां किसी आम सिखा दे पासपोर्ट नहीं बनते जे किसी दे कोले भय भी हैगा वह उधर टैररिस्ट सरकार है वह छेती आजादी नहीं दिंदियां जाण दा मौका नहीं दिंदा। एक ऐसा हुआ तुहाडे चैनल राही भी दिखना चाहते हैं भी जिहड़ा जिवें पाकिस्तान दे गुरधाम आ गए उन्हां दा जिहड़ा एक आधार कार्ड दे टाइप दे उत्ते सानू दर्शन करन दी इजाजत दित्ती जावे क्योंकि बड़े सिख संगत साडे दला पंथां दी भी एक भावना हैगी क्योंकि जिस तरह पंजाब दे विच असी हुण हजूर साहिब तिकर जाके इसे तरह ही दल पंथ जांदे ने उत्थे लंगर लगदे ने अखंड पाठ साहिब चलदे ने होर खालसा दीआं रवायती खेडां जिहड़ियां विच गल ऐड करनी चाहूंगा सिंह साहब थोड़ा गल ए आ भी खालसा राज खालसा राज है पंजाब दे विच खालिस्तान बना के थोड़ी ना सरना है कहने का भाव यह भी होंगे भी आप मेहनत इन्नी करिए खालसा का राज पूरी दुनिया के आना गुरु साहब तो अपने ये कह के ने तो पूरी दुनिया के राज कायम करने वास्ते मेहनत करनिया पैनिया मेहनत करके अपना हर एक खूंजे तक पहुँच के अपना उत्थे आप मोढ़ी होइए अगे लीडर होइए सब दे अपना राज उत्थे आपे आ गुरु महाराज जी के कहने का मतलब यह भी तो हो सकता भी भाई तुम मेहनत करके अगर पहुँचना ए नहीं भी ठाणे घेर के पहुँचना है ना खालिस्तान अपना जरूरी तो नहीं भी पंजाब के इन्ना कि चाहिए अपना खेत्र तो दुनिया का। महाराज गुरु गोबिंद सिंह पातशाह का वर्णन आ नीला बाणा पहन के अवरना दिसे कोई सतगुरु कहिंदे सीगे सतगुरां दा इह पातशाह दा हुक्म आ भी ऐसा खालसा राज होवेगा कि जिधर नूं इह हवा लगूगी ना जिवें हवा चलदी है ना जिस तरह जिवें आपां पहलां पिछे सुणिया सरकारां ने हऊआ बनाया सी करोना का भी जिधर नूं हवा चलदी उधर नूं जी करोने दा विशाणु जांदे आ करोना हो जांदा इस तरह खालसे दा राज होऊगा इस ढंग नाल होऊगा भी जिधर नूं हवा चलूगा ना उह दौर चलूगा
भी उधर नीले बाने वाले सिंह सजन गए और बाने फौजा तैयार पर तैयार हो गई। असी कोई निक्का जिहा राज नहीं, एक कोई टुकड़ा पंजाब की धरती का नहीं लैना, असी विश्व के राजे हाँ, विश्व का राज लैना। महाराजा रणजीत सिंह ने देखो आम जिहड़े अज हिंदू राष्ट्र की गल कर रहे हैं, होर बख-बख गल कर रहे हैं, उन्होंने कोई राज नहीं किया, उन्होंने राज करन दा पता नहीं। खालसे ने तो राज किया गा, 19 बार खालसे ने दिल्ली के उत्ते निशान साहब लहराया, दिल्ली दान दे विच दित्ती आ खालसे ने। खालसा जिहड़ा गा लाहौर तो लैके कन्याकुमारी तो लैके कि बख-बख स्टेटां जिन्नियां इह पंजाब दियां, होर पंजाब तो एक देश सीगा जिहड़ा इन्ना कि छोटा जिहा पंजाब बना के, पंजाब और हिंद की जंग हुंदी हुंदी सीगी, पंजाब और हिंदुस्तान, हिंदुस्तान वखरा सीगा जिहड़ा देश है भारत देश हिंदुस्तान, तो और पंजाब वखरा सीगा। तो इतों जिहड़ी खालसा राज इन्हां ने गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने कहा सीगा जिहड़ा महाराज ने लिखिया गा करनीनामे दे विच जिक्र आउंदा गा भी लाहौर बगौर जिहड़ा काबल ते लैके कश्मीर तो लैके कि हर एक थां जिहड़ा दिल्ली अटक हत्तिकर होर सारे खालसे का राज होना गा। खालसे का राज यही नहीं है भी आप छोटा जा खालिस्तान का सिस्टम हैगा कि हुण देखो हजूर साहब तिकर खालसा, असी इतों खालसा फौज चलती आ निशान नगारे घोड़सवार पालकी साहब महाराज की होंगी है नाल, असी हजूर साहब नूं जाने चाले मारदे आगे 20-25 गड्डियां दला पंथा दियां घोड़े ट्रकां दे विच नाल फौजां लंगर दियां सारा सिस्टम जिथे जाता उत्थे पड़ा हुंदा गा, उत्थे कथा कीर्तन हुंदा गा, उस तो बाद अगले पड़ा दे उत्ते असी दशहरे नूं इस तरह जाता खालसा। और खालसे का उस एक राज ही आ, कोई सानू टोल नहीं, कोई टैक्स नहीं, कोई होर नहीं कुछ, जिथे जाने समझ सत्कार करके लंघदे भी खालसा आया गा। असी एक इधर पत्थर गाँव आ उत्थे जाके असी पड़ा किया नदी के उत्ते, उत्थे एक दिन मुसलमान भाईचारा उन्होंने नमस्कार की, कहिंदे भी साढ़े बड़ बडेरे भी मकाउंदे थक गए खालसे नूं, पर इहदा खालसा अज भी जड़दी कला दे विच हैगा। वो खालसे का राज ही आ, जिथे जाके बह जाने अज आ देखो हुण इत्थे बैठे आ, खालसे का राज ही हैगा। जब अंदोलन च सी ना भाई उदों भी किसान जरूर गए ट्रालियां लेके, निहंग सिंह जदों गए तो उदों कहन लग गए सी भी निहंग सिंह आ गए, बहुत प्रभाव पैंदा सी, बेशक उत्थे किसान ज़्यादा सी निहंग सिंह घट सी, ऐं कहंदे सी भी निहंग सिंह आ गए, एक बहुत बड़ी शख्सियत लगती है चीज़ आ। मोर्चे दे विच भी हुण घोड़े खड़े ना, बेशक तुसीं अंदर बैठ जाओ जिथे रात नूं सौंदे उत्थे बह जाओ, घोड़े खड़े तां वी ऐं कहणगे भी निहंग सिंह आ, भी मोर्चा स्ट्रोंग जिहा हो जांदा। जिहड़ा खालसे दा प्रभाव आ ना, खालसा शस्त्रधारी खालसा, सूरमा खालसा, छत्री आ खालसा, और खालसे ने बड़े बड़े जंग फतेह किए ने। तुसी इतिहास पढ़ लो, जिहड़ा चमकौर गढ़ी का जंग हैगा उत्थे 10 लाख बैरी दा 40 सिंघां ने मुकाबला किया गा, अज तिकर ऐसा कोई सूरमा नहीं होया भी ऐसी कोई उदाहरण नहीं हुई जिथे 10 लाख बंदे दा 40 सिंघां ने मुकाबला किया होवे। बाकी जिहड़ा ये खालसा ना, ये गुरु गोबिंद सिंह पातशाह का हत्थी साजा पिया पंथ, महाराज गुरु हरगोबिंद साहब पातशाह का हत्थी साजा पा, गुरु साहब जी ने अमृत की गुड़ती दे के खालसे दे विच जो सी ऐसा भरता प्रतीला करता। अज वख-वख संपर्तां चलियां, वो बाद दे विच चलियां सारियां, पहला जिहड़ा प्यो हुंदा वो प्यो ही हुंदा, जिहड़े पुत्र हुंदे आ गाह शाखा पाट जांदियां वह वख्खरियां हुंदियां। ये पंथ आ जिहड़ा गुरु कलंगीधर पातशाह का हत्थी साजा होया पंथ हैगा, और इहदा कोई मुकाबला नहीं कर सकता और ना ही कितें होना गा। ये सूरज जिथों चढ़दा ते सिबदे तिकर खालसे का राज हैगा। खालसा कोई ये नहीं है भी छोटे जे आप पंजाब दे विच खालिस्तान दे विच सीमित रह के फिकर जे, असी जिते भगत रविदास जी का एक बाणी दे जिक्र है बेगमपुरा शहर का नाउ, कहिंदे जैसा खाल ऐसा राज चाहूँ मैं जिते मिले सबना कुआन, भी जिहड़ा है भी कोई नंगा भुखा कोई ना रहे, और इस गरीब गुरूबा हर कोई ते उह सारा दियां विच वर्णन हुंदा गा। इस तरह ही जिहड़ा हुण सतगुरां ने तो बड़े बड़े फरमान आ गए बाणी दे विच, ते उह इन्हां नूं जिहड़े अज कुछ ज़्यादा गल्लां करदे उन्हां नूं बाणी पढ़नी चाहीदी है महाराज दसम पातशाह दी, वो आपे सारा कुछ नचोड़ कढ़ दिंदी है भी की है की नहीं हैगा। बाबा मेहरबानी है सिंह साहब, क्योंकि कहण दी गल इह है भी कोई आपां नूं इन्ना क चीज़ मिल गई, इन्ना क खेत्र मिल गया, आपां कह दईए खालिस्तान मिल गया, खालसे दा राज हो गया, ये नहीं, ये मतलब नहीं है। इत्थे करके संतुष्टि ना पाई जाए ਤਾਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛਿਪਦੇ ਤੱਕ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ, ਉਹ ਹੋਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਹਨਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਣਾ। ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਹੈ ਤਾਂ ਬਚਨ ਖਾਲੀ ਤਾਂ ਨਿੰਗੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਗਲਤ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਰਾਸਤੇ ਭਟਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੌਮ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
हरजपाल सिंह लैके गलबात करी है। उम्मीद है तुम्हें चंकी लगी होगी। फिलहाल के लिए नहीं, कैमरामैन बलविंदर सिंह मनप्रीत गिल, फैक्ट न्यूज़ चंडीगढ़।